जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पब्लिक में एक बहुत बड़ी मतलब एक तशवीश का आलम है कि ड्रग्स की जो बीमारी है वो पूरे दिल्ली में और हमारी यूनियन टेरिटरी में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई तशवीश को ख़त्म करने के लिए और उसके ख़िलाफ़ एक जंग छेड़ने के लिए श्रीनगर पुलिस अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रही है। और आज आप लोगों को यहाँ पे तकलीफ दी है कि आपको हम आपके साथ हम शेयर करें कि हमारी पहल जो है वो कितना कामयाब हो रही है और कितना हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। मैं पहले आपको कुछ अदाद व शुमार जो हमारे लेफ्ट और राइट साइड के बोर्ड्स पे लिखे हुए हैं उनकी तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगा कि इस साल अभी तक हम लोगों ने 87 FIRs रजिस्टर किए हैं श्रीनगर में और 145 लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की है जो ड्रग पेडलिंग में मुलव्वस थे। तो इसी तरह से अगर देखा जाए कि हमारे पास NDPS में एक स्पेशल प्रोविजन होता है डिटेंशन का, जिसको रफली लोग यहाँ जानते हैं कि ड्रग्स में उसको PSA लग गया तो उस का क्या होता है कि 6 महीने के लिए कम से कम वो बंदा जो है पब्लिक सर्कुलेशन से बाहर चला जाता है और उसको डिटेन किया जाता है ताकि लोग उसकी इन एक्टिविटीज़ से जो है वो महफूज रहें। तो उस पे भी जो है इस बार अगर देखा जाए पिछले साल हम लोगों ने 3 लोगों को वो डिटेंशंस जो NDPS वाली हैं उनके तहत बंद किया था और इस बार अभी तक हम लोगों ने 9 लोगों को वो डिटेंशंस के तहत बंद किया है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो टोटल 145 लोगों को हम लोगों ने NDPS के तहत जो है गिरफ्तार किया है। और ये जो मुहिम है वो बिल्कुल जारी है और हर एरिया को थाने को एक टारगेट्स दिए गए हैं कि ताकि वो इस पर बिल्कुल मेहनत करें और देखें कि कहीं भी अगर पेडलिंग की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती है तो उस पर एक्ट करें। इसमें एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसमें हमें जो भी कामयाबी अभी तक मिली है इसमें पब्लिक का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे लोग जो इस बीमारी की वजह से परेशान हैं या उनके घर में या फैमिली में कोई ऐसा मेंबर जो है जो इस बीमारी में मुब्तला होता है वो लोग हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। उन्होंने बर वक्त इंफॉर्मेशन्स दी हैं, उस टाइमली इंफॉर्मेशन की वजह से ही हमें ये कामयाबी हासिल हो पाई है। तो हम चाहेंगे कि आप सब लोगों के थ्रू कि ऐसे लोग चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बाशऊर लोग जो सोसाइटी में रहते हैं वो पुलिस को बर वक्त कार्रवाई दे दें, कार्रवाई के लिए इंफॉर्मेशन दे दें ताकि इनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई जो है करें। साथ ही मैं एक चीज़ की थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन और वजाहत करना चाहूँगा कि हमारा फोकस जो है वो ड्रग पेडलिंग को रोकना है, ड्रग पेडलिंग के खिलाफ कार्रवाई करना है, ना कि हम एडिक्ट्स को इलाज करने के लिए पुलिस के पास डायरेक्टली कोई भी फैसिलिटी नहीं है और ना ही हम उसके लिए ट्रेन हैं। तो यहाँ बहुत से लोगों का सवाल जो होगा उसका जवाब मैं एक तरह से एडवांस में दे रहा हूँ कि ड्रग एडिक्ट्स जो है वो एक तरह के बीमार हैं, उनका इलाज जो है हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो करना चाहिए। हमें आप इंफॉर्मेशन दीजिए पेडलिंग के बारे में, उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब आज की बात जो खास है वो ये है कि अभी हमारी जो सिटी साउथ की जो पुलिस है साउथ जोन श्रीनगर जिसके हमारे SP साहब सजाद शाह साहब हैं और SDPO शाहजहां हैं, SHO साहब भी इनके शहीदगंज के साथ ही हैं, कि हम लोगों ने एक हीरोइन का जो है एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट तकरीबन 3 kg हीरोइन टाइप का एक सब्सटेंस पकड़ा है ग्रुप से जो अपनी यूटी से बाहर जाने के लिए तैयारी थी उसकी। तो बर वक्त कार्रवाई से बहुत बड़ा कंसाइनमेंट यहाँ शहीदगंज इलाके में पकड़ा गया है और वो भी हमारे पास मुलजिम हैं, उनके कुछ साथी भी हमारे पास हैं। तो ये आपको बताना है कि इनके कहने के इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के जो है सामने ये आया है कि ये जनरली बॉर्डर एरियाज से ड्रग्स श्रीनगर में पहले आती है और यहाँ से फिर बाकी इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, इवन आउटसाइड JNK भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये जो तकरीबन 3 किलो हीरोइन टाइप का सब्सटेंस जो हम लोगों ने पकड़ा है ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं अपनी जगह मानता हूँ।
और साउथ पुलिस को इसके लिए इस पे वो मजीद कार्रवाई कर रहे हैं। मजीद हमें ये देखना है कि क्या इससे जो पैसा आता है, हमें बीच में कोई शिकायत आई कि कुछ जो आदमी हैं वो वहाँ पे छोटी छोटी पुड़ियाओं में ड्रग्स फरोख्त करते हैं। उसके बाद एक स्पेशल टीम सिविल में तश्कील दी गई जिन्होंने पूरा बर वक्त रंगे हाथों उनको पकड़ लिया। उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है जब वो की गई उस सिलसिले में भी पर्चा जो है वो शहीदगंज में रजिस्टर हुआ और उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने एक बहुत बड़ा उनका जो सप्लायर था जो काजीकुंड में रहता था उसको भी पकड़ा है, जिसको हम आपके सामने अभी पेश भी करेंगे। और उस लिंक में तीन और बंदे पकड़े हैं, ये जो रऊफ अहमद इसका नाम है जो काजीकुंड से हम लोगों ने पकड़ा है। और इस बंदे की काफ़ी और भी मुझे लगता है कि पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं वो उसके ऑलरेडी पीछे थी, लेकिन ये उनके हाथ अभी नहीं आ रहा था। हमें लगता है कि इसके पकड़ने से थ्रू हमें उम्मीद है कि हम और भी कुछ लिंक्स और भी कुछ उनके साथी जो है पकड़ेंगे और उनको कानून की गिरफ्त में लाएंगे। तो मेरा जो है क्लोजिंग से पहले आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपके थ्रू ये मैसेज हमारा आगे तक जाना चाहिए ताकि सोसाइटी एज अ होल इस बीमारी के खिलाफ जो है इस जंग में हमारे साथ खड़ी हो जाए और हम लोग मिलके सोसाइटी के पूरे सपोर्ट से सोशल ऑर्गेनाइजेशन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से इस बीमारी को ख़त्म करें ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो ख़राब ना हो और उनको मेन स्ट्रीम के साथ और नॉर्मल एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ा जाए।